स्वस्थ जीवन के लिए हकीम सुलेमान खान अतिया हर्ब्स www.atiyahubs.com। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मोदी और उनकी कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेते ही एनडीए में बवाल मच गया है। ऐसा बवाल कि महाराष्ट्र से दिल्ली तक बीजेपी नेता टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार पर नया संकट मंडरा गया है और ये संकट खड़ा करने वाले कोई और नहीं बल्कि एनडीए के ही साथी दल एनसीपी के अजीत पवार हैं। दरअसल अजीत पवार गुट ने लोकसभा चुनाव में एक सीट जीती थी, तो ऐसे में मंत्रिमंडल में अजीत गुट से प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन अजीत पवार ने मोदी के फैसले को ठुकरा दिया है। ये ऑफर मिलने पर बवाल खड़ा कर दिया है। अजीत पवार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिससे एनडीए में बड़ा भूचाल आ सकता है। ये खुद अजीत पवार ने कहा कि हमें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री नहीं चाहिए। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन दो तीन महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल तीन मेंबर होने वाले हैं और लोकसभा के खुद सुनील तटकरे साहब है, ऐसा टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेंबरों की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में चार होने जा रही है राज्यसभा और लोकसभा पकड़ के, तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए ऐसे हमारी बात हुई है। वो बोले ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन उसके बाद कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है वैसा एक मेंबर लेना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। तो अब माना जा रहा है कि उचित महत्व नहीं मिलने से अजीत पवार का गुस्सा फूट गया है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी में किसी तरह के मतभेद को भी इनकार कर दिया है। पहले खबरें आई थी कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील के बीच बवाल पैदा हो गया है, दोनों ही मंत्रिमंडल में जगह के लिए आपस में ही लड़ गए हैं, लेकिन अब प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि एनसीपी में किसी तरह का मतभेद नहीं है। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि उनको भाजपा से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर दिया गया था, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। मैं पहले कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, इसलिए अब अपना पद गिराना नहीं चाहता, ये उनका डिमोशन होगा। आज हमारे पास एक लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद है, लेकिन अगले दो तीन महीनों में हमारे पास राज्यसभा में कुल तीन सदस्य होंगे, संसद में सांसदों की संख्या चार होगी, इसलिए हमने कहा है कि हमें कैबिनेट मंत्री सीट दी जानी चाहिए। प्रफुल्ल यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में वो एनडीए में भी अहम मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। हालांकि उनकी मांग पूरी होगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पीएम मोदी नहीं चाहते कि सरकार पर कोई भी संकट पांच सालों में खड़ा हो। वैसे भी अजीत पवार अगर बवाल करेंगे तो उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता भी आसानी से दिखाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सांसद है और एक सीट जाने से एनडीए को फिलहाल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आंकड़ा बहुमत से ज्यादा सीट का है। तो अगर अजीत पवार बवाल करेंगे, ज्यादा मोदी को आंख दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें दरकिनार करने में वक्त नहीं लगेगा, ना बाहर के रहेंगे ना अंदर के। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में कई तरह की हलचल भी पैदा हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट की ताकत बढ़ने के बाद अजीत गुट के कई नेता उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। ये खबरें जोरों शोरों से जोर पकड़ रही हैं।
सीनियर पवार काफी सक्रिय हो गए हैं और माना जा रहा है कि इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अजीत पवार गुट लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से बैकफुट पर आ गया है। पवार परिवार में भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी तरह शिवसेना के दोनों धड़ों को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव है और उसके पहले कई नए सियासी समीकरण राज्य के राजनीति में देखने को मिल सकते हैं और अजीत पवार इस समीकरण में घाटे में जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। देवेंद्र फडणवीस आगे की तैयारी में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि जो नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा है वो विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़े। खैर, जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में उठापटक देखने को मिल रही है, जल्द ही मोदी के एक्शन को लेकर भी बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।